परीक्षा गांव में बेहोश पड़े मिले रामलखन धाकड़ ने 21 दिन बाद तोड़ा दम। परिजनों का एसपी ऑफिस में हंगामा, हत्या का आरोप। शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अंकुरसी गांव के निवासी रामलखन धाकड़ की बुधवार को इलाज के दौरान ग्वालियर में मौत हो जाने के बाद मृतक के शव को लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे परिजनों ने गाँव के 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाकर एसपी ऑफिस में जमकर हंगामा किया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को कार्यवाही का आश्वासन देकर हंगामे को शांत कराया। दरअसल 10 अक्टूबर 2023 को मृतक राम लखन पुत्र जगदीश धाकड़ उम्र 50 वर्षीय निवासी अंकुरसी को गांव के 3 लोगों भैंसों को खोजने के लिए अपने साथ ले गए थे, जहां 11 अक्टूबर को रामलखन परीक्षा गांव के पास बेहोशी की हालत में मिला। परिजनों द्वारा उसे इलाज के लिए पहले शिवपुरी फिर ग्वालियर में भर्ती कराया गया, जहां बुधवार को रामलखन ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही 3 लोग हनुमंत धाकड़, बीरू परिहार और लक्ष्मी परिहार ने रामलखन को कुछ खिलाकर उसकी हत्या की है। आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने को लेकर परिजनों ने एसपी ऑफिस में हंगामा किया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को कार्यवाही का आश्वासन देकर हंगामे को शांत कराया। तो क्या 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 हुआ इनके साथ, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है? वे तो समझा सक गए थे, मैंने जाकर गई है ब्याज दे दे गए थे, कोई की ब्याज दौड़वा भी गए थे, खर्च नहीं थी। मैं तो बुर कैसे आई थी मोड़ी जगह, मैं तो 1100 पा दिया थी, मुझे कही मम्मी आओ गई लगा चाय बना आओ बिठा, फिर दोबारा फोन लगाया, बयान दे दो बयान दे दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट बयान दे दो। फिर भैया मुस्कान से जा कहीं खुद की चप्पल मोड़ा है। जो मुस्कान कौन है? मेरी लड़की है। तुम्हारी लड़की है? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, कछु नहीं कही जा कहीं। कौन ले गया था इनको, कैसे क्या ले गया था? भैया अभी तो फिर हॉस्पिटल में फिर भर्ती कर रहे। इनकी क्या नाम है आपका? मैं कपिल धाकड़। तो क्या कुछ घटनाक्रम हुआ इनके साथ, क्या कुछ मामला है पूरा? इनको घर से 3 लोग बुला के ले गए थे, और उसके कुछ समय बाद ही वहाँ पे मूर्छित अवस्था में लेते, और उनसे ही बात हुई थी उस समय मेरी बहन की, उनके साथ थे, तो एक साइड गाड़ी रखी हुई थी और एक साइड डले हुए थे, सांस फूल रही थी इनकी, ऐसा हुआ था। तो कौन लगते हो आप इनके? इनका बेटा लगता है। कैसे क्या हुआ था फिर? क्या सर? कौन लोग ले गए थे उनको? मेरे गांव के 3 लोग हैं, हनुमंत धाकड़ और एक बीरू परियार और लच्छी परियार। क्यों ले गए थे? मतलब भैंस पड़वाने, उनकी भैंस को गई थी, हनुमंत धाकड़ की भैंस को गई थी, उनको दिखवाने की, ठीक है हमारी भैंस दिखे चल रहे हैं, चलो मास्क फूटे रहा था, मास्क। उनसे बात भी हुई थी मेरी बहन की कि पापा आ जाओ, काम हो गई, आप आओ। तो पापा ने कही बेटा मैं हनुमंत के साथ हूँ, लो इससे बात कर ले, तो मेरी बहन ने उससे बात भी की थी। कब की बात है? जब मिले थे तो मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग पूरी डिलीट थी, वहाँ से जब हम लेके आए थे कोई कॉल रिकॉर्डिंग नहीं थी, और उसमें ना मतलब गाड़ी को मतलब साइड में रख दिया था कि मतलब वहाँ पर कोई एक्सीडेंट का सीन नहीं था। अब इनकी मौत कब हुई थी? मौत इनकी 10 तारीख को रात को 8:00 पे एक्सीडेंट हुआ था, और मौत आज कल शाम को 7 बजे हुई थी। कहाँ पे? हॉस्पिटल में ग्वालियर। अच्छा, उसके बाद आप कहाँ आए हो यहाँ? उसके बाद यहाँ आए हम डायरेक्ट, हमारी सुनवाई नहीं हुई 20 दिन से, 2-3 बार घर वाले जा चुके हैं वहाँ पे, ना कोई FIR की उन्होंने, ना कोई कार्रवाई की, ना कोई छानबीन की। तो रात्रि में आप SPO से आए, तो क्यों आए हो, क्या समस्या है? हमारी FIR हमारी सुनवाई के लिए आए सर, कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। अच्छा, तो अभी आश्वासन क्या मिला है अंदर से आपको? आश्वासन सर कह रहे हैं मतलब आवेदन दे दिया उन्होंने, और पूरी कल से FIR मतलब वो करके पूरा वो PMO हुआ है उनका, सब जाँच करेंगे वो।